डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम यूनिट 6 द काइज वीएन एंड पाकिस्तान का तर्जुमा स्टार्ट करते हैं। यह 9th क्लास के पेपर में आता है। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले टॉपिक देखें, द काइज वीएन एंड पाकिस्तान। वीएन बसीरत, दूरंदेशी या ख्वाब कह सकते हैं। कैद आज़म का ख्वाब और पाकिस्तान, ये सबक का नाम है। कैद आज़म का ख्वाब, कैद आज़म की बसीरत, कैद आज़म की दूरंदेशी और पाकिस्तान। पैराग्राफ नंबर 1, फर्स्ट सेंटेंस आपको नज़र आ रहा है, चलिए इसको समझते हैं। During the early and difficult times of Pakistan's emergence, during का मतलब होता है दौरान, during the early इब्तदाई difficult मुश्किल times औकात of Pakistan's emergence, emergence होता है ज़हूर, क़याम, ज़हूर, क़याम। क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना undertake की second form, undertook, अंडरटेक आ टूर होता है दौरा करना, यानी विजिट करना किसी जगह पर। कंट्री वाइड क्या होता है, मुल्क गिर, पूरे मुल्क का दौरा करना। अब इसको तर्जमा देखें, अब मैं बामावरा तर्जमा करना है, यहाँ से शुरू करेंगे, इस यहाँ से। क़ियामे पाकिस्तान या ज़ौरे पाकिस्तान के इब्तदाई और मुश्किल औकात में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुल्क गिर दौरा किया। अब ये नीचे तर्जमा लिखा हुआ है, ज़रा आप इसको तवज्जो से पढ़ें, तैयार करें, फिर मैं इसको हाइड कर लूँगा, आपने सुनाना है। और से देखें, ज़हूरे पाकिस्तान या क़ियामे पाकिस्तान के इब्तदाई और मुश्किल औकात में कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुल्क गिर दौरा किया। कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पूरे मुल्क का दौरा किया। चलें इसको याद करें, फिर मैंने हाइड कर लेना है, आपके सामने ऊपर सेंटेंस ये नज़र आएगा, आपने इसको ट्रांसलेट करना जी। अब आपने करना है, करें ज़रा इसको ट्रांसलेट। आपने यहाँ से स्टार्ट करना जी, क़ियामे पाकिस्तान, ज़हूरे पाकिस्तान के इब्तदाई और मुश्किल औकात में कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुल्क गिर दौरा किया, यानी पूरे मुल्क का दौरा किया, पूरे मुल्क में वो गए। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 2, ही एम्ड एट रेजिंग पीपल्स स्पिरिट। एम को वर्ब के तौर पर यूज़ किया है, मकसद होना, रेजिंग बढ़ाना, उभारना, पीपल्स लोगों के स्पिरिट, जज्बे को। उनका मकसद लोगों के जज्बे को उभारना था। अब ज़रा ये देखें तर्जमा, ज़रा इसको तैयार करें, फिर मैं हाइड कर लूँगा। उनका मकसद लोगों के जज्बे को उभारना था। अब आप पढ़ना जी, पढ़ें ज़रा इसका तर्जमा करें जी। उनका मकसद लोगों के जज्बे को उभारना था। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, ये इसमें क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि डू नॉट ओवरवेलम्ड विद द एनॉर्मिटी ऑफ द टास्क। ओवरवेलम्ड होता है घबराना, मगलूब होना। एनॉर्मिटी क्या होती है, सख्ती, ज्यादती। टास्क किसे कहते हैं, काम। सबसे पहले आपने वोकैबुलरी तैयार करनी होती है, अब उसके बाद आपने इसका बामावरा तर्जमा करना है। काम की सख्ती, काम की ज्यादती से मगलूब ना होना, काम की सख्ती से ना घबराना। अब ज़रा पहले इस सेंटेंस को पढ़ें, फिर तर्जमा करें। Do not be overwhelmed with the enormity of the task. काम की सख्ती,
काम की सख्ती ज़्यादती से मगलूब ना होना, ना घबराना। आगे नेक्स्ट सेंटेंस देखें। ही सेड, उन्होंने कहा, उन्होंने फरमाया, इन अ स्पीच, एक तकरीर में, एट लाहौर, उन्होंने लाहौर में एक तकरीर में फरमाया। अब पढ़ें आप जी। ही सेड इन अ स्पीच एट लाहौर, इसका तर्जमा करें, उन्होंने लाहौर में एक तकरीर में फरमाया। अब क्या फरमाया, आगे पहले वहाँ से कुछ पार्ट था, अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ तक ये पूरा एक सेंटेंस है, इसको ज़रा गौर से देखें, पूरा सेंटेंस जो है वहाँ से लेके यहाँ तक, ये यहाँ तक करैक्टर तक। उन्हें कहा था कि देर आर मैनी एग्जाम्पल्स, बहुत सी मिसालें हैं, इस तरह मुख्तलिफ पार्ट्स का तर्जमाना चाहिए। देर आर मैनी एग्जाम्पल्स इन द हिस्ट्री, की तारीख में, ऑफ यंग नेशंस, नौजवान अकवाम, नई अकवाम, नौजायदा अकवाम की तारीख में, बिल्डिंग, बिल्ड का मतलब होता है तामीर करना, बनाना, देमसेल्व्स, अपने आप को, खुद को बिल्ड अप, तामीर करना, बाय शीयर, शीयर होता है सिर्फ या मैज, डिटर्मिनेशन, पुख्ता आज़म, इरादा, एंड फोर्स ऑफ करेक्टर, और करदार की कुवत। अब ये जो है यंग नेशन, यहाँ से इसका तर्जमा स्टार्ट करेंगे, नौजायदा या नौजवान अकवाम की तारीख में खुद को सिर्फ पुख्ता आज़म, महज पुख्ता आज़म और करदार की कुवत से तामीर करने, ये देखें, बिल्डिंग तामीर करने की कई मिसालें हैं। अब ज़रा इसको आप देखें, ज़रा गौर से पढ़ें, याद करें, और फिर मैं हाइड कर लूँगा, फिर आपने सुनना है। नौजायदा की जगह आप नौजवान लिख सकते हैं, नई लिख सकते हैं। अकवाम की तारीख में ख़ुद को महज या सिर्फ पुख्ता अज़म, पुख्ता इरादे और करदार की कुव्वत, ताकत से तामीर करने की कई मिसालें हैं। उधर तवज्जो से याद करें, आप पाज भी कर सकते हैं, वीडियो को रोक कर भी याद कर सकते हैं, और फिर आपने ऐसे पीछे आ जाना है और अब पढ़ना है आपने। अब अगर आपने पढ़ लिया, तैयार करने के बाद आपने इसकी तरफ आना है। आप पढ़ें ज़रा जी। नौजायदा, यहाँ से हमने तर्जमा शुरू करना, नौजायदा या नई नौजवान अकवाम की तारीख में ख़ुद को महज या सिर्फ पुख्ता अज़म और करदार की कुव्वत से, ताकत से तामीर करने, बिल्डिंग तामीर करने की कई मिसालें हैं। नेक्स्ट आगे वो क्या कहते हैं, कहते हैं जी, इसको थोड़ा गौर से देखें, क्या कहा था उन्होंने, यानी ये नौजवानों से ख़िताब कर रहे हैं, कहते हैं ऐसा, कहते हैं कि यू आर मेड ऑफ स्टर्लिंग मटेरियल एंड सेकंड टू नन। यू, आप, तुम आर मेड ऑफ, बने हुए हो स्टर्लिंग, शानदार, खरा, खालिस मटेरियल, मादा, तुम खालिस खरे मादे से बने हो, एंड सेकंड टू नन हो, किसी से कम तर नहीं हो। ये देखो, तुम खरे खालिस मादे से बने हो और किसी से कम तर नहीं हो, सेकंड टू नन। आप जरा पढ़े जरा, तुम खालिस खरे मादे से बने हो और किसी से काम तारे नहीं हो। नेक्स्ट ये इसको चेक करें, कीप अप योर मोराल, मोराल क्या होता है, हौसला, कीप अप मीन बुलंद रखना, अपना हौसला बुलंद रखो, कीप अप योर मोराल, अपना हौसला बुलंद रखो, अपड़ो, कीप अप योर मोराल, अपना हौसला बुलंद रखो। नेक्स्ट क्या कहा था, डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ डेथ, डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ डेथ, मौत से ना डरो, मौत से ना डरो, डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ डेथ, मौत से ना डरो। पढ़ें, डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ डेथ,
मौत से ना डरो। नेक्स्ट सेंटेंस, इस सेंटेंस को देखें गौर से, ये ज़रा बड़ा सेंटेंस है जी। अब इसको पढ़ते हैं तवज्जो से। We should face it bravely to save the honor of Pakistan and Islam. We should, हमें face means सामना करना, हमें सामना करना चाहिए या हमें सामना करना होगा it इसका bravely बहादुरी से, to save बचाने के लिए the honor इज्जत नामूस of Pakistan and Islam। हमें यहाँ पर आ जाओगे पाकिस्तान और इस्लाम की इज्जत को बचाने के लिए इसका बहादुरी से सामना करना होगा। यदि आप इस तर्जमे को ज़रा गौर से पढ़ें और तैयार करें जी, हमें पाकिस्तान और इस्लाम की आबरू इज्जत नामूस को बचाने के लिए इसका बहादुरी से सामना करना होगा। अब आप पढ़े ज़रा, अब ज़बानी अब अगर ने पढ़ लिया इट मीन्स आपको तैयार हो गया। हमें पाकिस्तान और इस्लाम की नामूस या इज्जत आबरू, एक वर्ड आपने हमेशा लिखना, को बचाने के लिए इसका बहादुरी से सामना करना होगा। नेक्स्ट कहते हैं जी, यहाँ पर देखो ज़रा, कहते हैं डू योर ड्यूटी, डू योर ड्यूटी, अपना फ़र्ज सर अंजाम दो, अपना फ़र्ज बजा लाओ, एंड हैव फेथ इन पाकिस्तान, और पाकिस्तान पर यकीन रखो, ईमान रखो। आप पढ़ें ज़रा जी, डू योर ड्यूटी एंड हैव फेथ इन पाकिस्तान, अपना फ़र्ज सर अंजाम दो, अपना योर अपना फ़र्ज सर अंजाम दो, डू एंड हैव फेथ इन पाकिस्तान, और पाकिस्तान पर यकीन रखो। इट हैज़ कम टू स्टे, इट हैज़ कम टू स्टे, ये कायम रहने के लिए वजूद में आया है, स्टे कायम रहने के लिए वजूद में आना, इट हैज़ कम टू स्टे, ये कायम रहने के लिए वजूद में आया है, यानी इसको कुछ नहीं हो सकता। इट हैज़ कम टू स्टे, ये कायम रहने के लिए वजूद में आया है। पैराग्राफ नंबर टू, ये सेंटेंस काफी लेंथी भी है, मुश्किल भी है, जरा तवज्जो से। द एंटायर जर्नी, आप पहले जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनके मीनिंग जानने चाहिए आपको। द एंटायर जर्नी, पूरा सफ़र, सारा सफ़र ऑफ द ग्रेट लीडर स्ट्रगल, अजीम रहनुमा की जिद्दोजहद का, फॉर अ सेपरेट होमलैंड, एक अलग वतन के लिए, फॉर द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, बर सग़ीर के मुसलमानों के लिए, वाज बेस्ड ऑन, मबनी था, वाज बेस्ड मबनी था, यानी उसकी बुनियाद थी, ऑन द पीवट, पीवट होता है मरकजी नुकता, जो जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है, ऑफ मुस्लिम यूनिटी, मुसलमानों के इतिहाद, एंड वननेस एज अ नेशन, और बहसीत एज अ नेशन होता है बहसीत कौम, वननेस होता है वहादत यकजहती के मरकजी नुक्ते पर था। अब देखो इसने इसका तर्जमा आप स्टार्ट क्या कहाँ से करोगे, ये जो लिखा हुआ है ना, यहाँ से स्टार्ट करना है, बर्रे सग़ीर के मुसलमानों के लिए, ऐसे पीछे की तरफ जाना है, बर्रे सग़ीर के मुसलमानों के लिए एक अलहदा वतन हासिल करने के लिए, अजीम रहनुमा की जिदोजहद का सारा सफ़र। अब इधर नीचे आ जाना, यहाँ पर आ जाना है, मुसलमानों के इतिहाद और बहसीत कौम, यकजहती के मरकज़ी नुक्ते पर मबनी था, ऐसे। चलिए ये लिखा हुआ है, इसको ज़रा गौर से पढ़ें, तैयार करें, फिर मैं आपको आपसे सुनता हूँ। ये देखिए सारा लिखा हुआ है, बरे सग़ीर के मुसलमानों के लिए एक अलग वतन के असूल के लिए, अजीम रहनुमा की जद्दोजहद का सारा सफ़र, मुसलमानों के इतिहाद और बहसीत कौम, वादत यानी यकजहती के मरकज़ी नुक्ते पर मबनी था।
तवज्जो से पढ़ें, फिर आपने सारे का ज़बानी पढ़ना है। क्लियर? आप ज़रा कोशिश करें, ये तो उसमें पूरे फोकस में भी नहीं आ रहा। पहले आप यहाँ से शुरू करना है, दरमियान से, यहाँ से, यहाँ से बरे सगीर के मुसलमानों के लिए से पीछे की तरफ जाना है। बरे सगीर के मुसलमानों के लिए एक अलहदा वतन हासिल करने के लिए अजीम रहनुमा की जद्दोजहद का सारा सफ़र है, फिर आपने यहाँ आ जाना है। मुसलमानों के इतिहाद और बहसीत कौम यकजहती के मरकज़ी नुक्ते पर मबनी था, ऐसे करना। चलें आगे चलते हैं। यहाँ पर देखें, ही टॉक्ड, आप गुफ्तगू करते थे अबाउट पाकिस्तान, पाकिस्तान के बारे में, इन सच क्लियर टर्म्स, ऐसी वाजिया असलात में, ऐसे वाजिया अल्फाज में, दैट के कामन मैन कुड अंडरस्टैंड इट, कि एक आम आदमी को भी इसकी समझ आ जाती थी। अब यहाँ पर ये तर्जमा पढ़ो, वो पाकिस्तान के मतलब ऐसी वाजिया असलात या ऐसे वाजिया अल्फाज में गुफ्तगू फरमाते थे कि एक आम आदमी को भी इसकी समझ आ जाती। पढ़ें ज़रा गौर से पढ़ें जी। अब देखें, अब आप इसको ने पढ़ना है, सारे का तर्जमा करें भला। वो पाकिस्तान के मुतल्लक ऐसे वाज़े अल्फाज में गुफ्तगू फरमाते थे दैट के एक आम आदमी को भी समझ आ जाती। के यहाँ तक इस यानी पार्ट नंबर वन में हम यहाँ तक तर्जमा काफ़ी है, इससे आगे नेक्स्ट जो है वो हम पार्ट नंबर टू में करेंगे। अल्लाह हाफिज़।